हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑलवेज एंटरटेन। तो अभी लंच की टाइम है, तो लंच में जो चीज़ मैंने लिया मैं मटन शामी टिक्किया, तो ये दिखा रहा हूँ आप लोगों को कैसा है ये। ये एक पीस मैं स्विगी से लिया, तो इसका ग्रेवी भी है थोड़ा सा और इसका साइज़ भी बहुत बढ़िया है। ये देखिए एक लोग के लिए ये काफ़ी है। तो मैं आज ये लंच में मंगवा लिया, तो ऐसे तो नहीं कि ये टिक्किया खाली मैं ऐसे ही खाऊंगा, इसके साथ कुछ नहीं लूँगा, नहीं, उसका भी इंतज़ाम किया। तो आज तंदूरी रोटी भी ले लिया तीन। ये तंदूरी रोटी दो तरह की आता है, एक प्लेन तंदूरी रोटी और दूसरा होता है विदाउट बटर। तो आप लोग देख सकते हैं ये तो ऑलरेडी थोड़ा सा स्पाइसी हो गया, इसमें ऑयल भी है, ग्रेवी भी दिया है। हाँ, तो मैंने विदाउट बटर ले लिया तीन पीस, एक दो और तीन पीस। तो ये लंच के लिए ठीक है, अगर भूख लगे तो शाम को हल्का फुल्का थोड़ा सा नाश्ता कर लूँगा या रात को एक डिनर कर लूँगा। तो मटन लिया लंच में, तो डिनर कर लूँगा शायद चिकन से। तो आप लोग भी ये कॉम्बिनेशन एक बार टेस्ट कर सकते हैं मटन कबाब के साथ तंदूरी रोटी। हाँ, कोई तवा रोटी भी लेता है और इसके साथ अगर थोड़ा सा सलाद हो जाए, सलाद का मतलब होता है फर्स्ट स्टार्टिंग की करता है प्याज से, कच्चा प्याज, रॉ अनियन या थोड़ा सा पुदीना पत्ता का चटनी, तो बात ही कुछ अलग है। मटन कबाब का पीस बहुत अच्छा है। वैसे पहले मैंने जब मंगवाया था, ये दो पीसेस मंगवाया था, तो तीन लोगों के लिए सही है। तो अब देखा जाए कि एक पीस में पूरा ख़त्म कर पाऊँगा कि नहीं, कोशिश करूँगा, क्योंकि खाना कम लो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा लो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज़ पे मैं बहुत विश्वास करता हूँ, इसको नष्ट मत करो। थोड़ा सा भी खाना आप नष्ट करो ना, तो दूसरा की भूख आप छीन ले रहे हो। तो यही तक रहे, जय हिंद।